हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सृष्टि आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ अपने चैनल फूड जंक्शन रेसिपीज़ में। आज मैं आपके सामने भंडारे वाले आलू की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत यमी आपको दिख रहे हैं। और आपको ये जब आप बनाएंगे तो एकदम आपको बाज़ार की याद आ जाएगी। ये बहुत अच्छे बहुत यमी बने हैं और इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे इसे बहुत इजी वे में एकदम भंडारे वाले आलू बना सकते हैं। तो चलो आइए हम आपको इस यमी यमी टेस्टी टेस्टी रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ये 6 उबले हुए आलू हैं, जिसे हम हाथों से ही इस तरह से देखिए मसल देंगे। आपको इस आलू को मैश नहीं करना है, बस इस तरह से मसलना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने सारे आलू इस तरह से हाथों से मसल दिए हैं। इसे आपको एकदम मैश नहीं करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, गैस पे मैंने कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम किया है और उसमें मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है और मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च डाली है। और फ्रेंड्स, इसको चटकने के बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम अपना ये भुनेंगे। ये देखिए हमारा अदरक लहसुन भुन चुका है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं फ्रेंड्स, ये टमाटर की पेस्ट डाल रही हूँ मैं। ये 3 बड़े टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, जैसे कि नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इसमें मैंने दूसरी लाल मिर्च नहीं डाली है, आप कश्मीरी लाल मिर्च का ही इस्तेमाल कीजिए। और अब हम टमाटर को भुनेंगे जब तक कि वो अपना सारा तेल ना छोड़ दे। ये देखिए हमारे टमाटर भुन गए हैं। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं कसूरी मेथी। अब हम इसमें अपने उबले हुए आलू डाल रहे हैं। अब इसमें हमें 1 गिलास पानी डालना है, जो नॉर्मल गिलास होता है। और अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें एक उबाल आने देना है। ये देखिए हमारी सब्जी में उबाल आ चुका है। अब हमें इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए गैस को लो रखकर इसे पकाना है। ये देखिए अब हम इसे खोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी टेस्टी लग रही है ये सब्जी, कितनी अच्छी दिख रही है। एकदम भंडारे वाले आलू एकदम वैसे ही दिख रहे हैं। तो ये हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है और अब हम गैस को बंद करते हैं। तो एकदम आपको बाज़ार जैसी फीलिंग आ रही है, एकदम टेस्टी यमी दिख रही है। आपको यकीन नहीं हो रहा, आप इसे घर पे बना सकते हैं एकदम वैसी सब्जी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इतना आसान था इसे बनाना। तो अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पत्ती। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सब्जी हो गई है रेडी। तो इसे अब हम सर्व करती हैं। फ्रेंड्स, मैंने सब्जी को एक बाउल में सर्व कर दिया है। जैसा आप देख रहे हैं, ये एकदम भंडारे वाले आलू की सब्जी ही लग रही है और ये एकदम वैसी ही टेस्ट में बनी है।
और बहुत अच्छी बहुत यमी बनी है। और आपने देखा इसे बनाना बहुत इजी है, आपको ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं है, आप घर के इंग्रेडिएंट से ही इसे बना सकते हैं। बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत यमी लग रही है, तो आप भी इंजॉय कीजिए इस सब्जी का। आप इसे पूड़ी के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए या आप इसे परांठे के साथ खाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इन्जॉय कीजिए सब्जी का और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।